किसान भाइयों को नमस्कार। और जैसा मैं पहले आप लोगों को बताना चाह रहा था, काफ़ी दिन से आज तक मैंने एक भी वीडियो ये ऐसा नहीं देखा जो गोबर की खाद के बारे में हमें ये बता सके कि गोबर की खाद को किस तरह काटना है और किस तरह इसको ठंडा करना है, कितने दिन इसको ठंडा करना है, कैसे इसको ठंडा करना है। तो मैंने अभी यहाँ पे तीन बेड लगे, ये हमारा ट्रॉली जो है वो खाद पड़ा हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, 15-20 दिन ठंडा करते हैं। अभी ये जैसे हमारी ये ट्रॉली है, बाकी हमने जो है उधर के बेड में डाल दी है 3-4 ट्रॉली जो भी है। अभी ये 3 ट्रॉली खाद इधर पड़ा हुआ है, तो इसमें पानी भर के इसको रेगुलर काटते रहें, मतलब रोज इसमें पानी मारा है, रोज इसको थोड़ा थोड़ा काटते रहें जिस तरह से ये काट रहा है। अगर ये साइडों से अगर आपको ये दिख रहा है, इसमें भी पानी मारें। अब ये जो आपको जब इसको लगाना हो तो अलग अलग जो है ट्रॉली खाद की आप डालें। जो पहले वाली है आपकी, मान लो उसको 15-20 दिन हो गए तो उसको यूज करना, आप उसको बेड में डालना चालू कर सकते हैं। अब ये वाला हमारा जो है इसको करीब 15 दिन के आसपास हो गए हैं, ये वाला है इसको करीब हमारा 10 दिन के आसपास हो गए हैं, ये वाली ट्रॉली जो अगली पड़ी है इसको हफ्ता भर हुआ है अभी हमारा। तो इस तरह से ये 3 ट्रॉली अभी ये खाद पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसको इस आप सीक्वेंस में रखें, अपने ऑर्डर के हिसाब से रखें, रिकॉर्ड करके रखें कि आपने इसको कितने दिन पहले आपने इसको ट्रॉली को डलवाया है और कितने दिन आपने उसको काटा है। 10-15 दिन बियर मिनिमम इसको काटते रहें। अब इसमें एक दिक्कत आएगी आपको, ये चीज़ें कोई भी किसी ने भी आज तक हमें नहीं बताया है, किसी भी वीडियो में मैंने आज तक नहीं देखा है कि ये जो साइडों में जो आपको दिख रहा है ये पूरा जो है आपका पूरा ये ठंडा नहीं हो रहा है, अंदर अंदर से हम इसको ठंडा किए जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ है, कुछ तो ये ठंडा हो जाता है क्योंकि अंदर पानी भरेंगे तो इसमें साइडों से भी रिसाव हल्का हल्का होने लगता है और ये भी ठंडा होता है, लेकिन इस पर भी हमेशा रेगुलर जो साइडों में है इस पर भी पानी मारते रहें। और लास्ट में पहले इस गोबर जो आपका जो तैयार हो जाएगा इसको सलरी ना रखें। अभी ये सलरी आपको दिख रही होगी, लेकिन 2-4 दिन जब हमें इसको डालना होगा बेड के अंदर तो इसको थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा स्मूथ इस तरह का कर लेंगे, हार्डनिंग इसकी थोड़ी सी ऐसे कर लेंगे कि ये ज़्यादा सलरी टाइप ना रहे। अभी ये थोड़ा सा आपको सलरी टाइप दिख रहा होगा, इस तरह का आपने बेड के अंदर नहीं डालना है। और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो साइडों से हमें दिख रहा है इसको अंदर की तरफ काटते जाएंगे, इसको छोटा करते जाएंगे, इसमें पानी मारते जाएंगे और धीरे धीरे करके हम इसे डालते जाएंगे। अगर आपने सारा गोबर एक साथ में डालना है तो इसको और चौड़ा करें ताकि इसकी जो हाइट है 1 फिट के आसपास, 1.25 फिट से ज़्यादा ना रहे। अभी इसकी जो हाइट आपको दिख रही होगी बेड की, ये करीब 2 फिट हाइट है। तो हमने, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो इस तरह से हमने इसको जो है किया हुआ है। आप इसको 1 या 1.25 फिट से ज़्यादा ऊंचा बिल्कुल ना रखें अगर आपको जल्दी हो तो, और रेगुलर उसमें पानी मारते रहें। उसमें सलरी भी बन रही है कोई बात नहीं है, बनने दीजिए एक बार उसको, लेकिन उसको बीच बीच में जैसे धूप लगती जाएगी वो अपने आप सूखता जाएगा और आपका डालने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो गोबर की जो खाद है उसको इस तरह से आपने ठंडा करना है जिस तरह से हमने बताया है। और 1 by 1 हमने ये जो बेड लगाए हैं ट्रॉली जो है खाद की, उधर से लास्ट से डालनी चालू करी थी और जब इनको डालते हुए चले आए हैं तो बेड साथ के साथ में हम लगाते चले आए हैं, जो आपको ये बेड दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से मैं पूरे बेड ये आपको दिखा रहा हूँ, हमारे दूसरी साइड में, दूसरी साइड पे भी, साइड में यहीं पे ही वहाँ भी कुछ बेड लगे हुए हैं 10-15। तो ये दूसरी साइड अभी हमने ली है और इस दूसरी साइड पे हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें ये वाले जो ग्रीन बेड्स हैं हमको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो जगह है इसमें पानी भर जाता है, और तो ग्रीन बेड की जो हाइट है नीचे से 6-8 इंच होती है, जो उसका साइडों से जो इसमें हवा के लिए जो है जो नेट जाली लगी हुई होती है वो भी 6-8 इंच ऊंची रहती है, तो नीचे से पानी इसमें ज़्यादा ना भरेगा, इस तरह की कोई पानी के इशू नहीं आएगा। और जो कैचुआ डाल रहे हैं वो भी अभी डाल रहे हैं, तो बरसात होने वाली है, बरसात से भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी है। दूसरा काम, बरसात के टाइम पर आपने जो करना है इसको ऊपर से ज़रूर हमेशा के लिए, जब भी बारिश होए उससे पहले आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके पास में प्लास्टिक की सीट होनी चाहिए जो इसको कवर कर सके, ज्यादा पानी इसमें भरने नहीं देना है। तो सभी भाइयों को मैं अभी आशा करूंगा कि ये बात समझ में आ गई होगी कि गोबर की खाद को किस तरह ठंडा करना है, किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है और किस तरह इसको जो बेड के अंदर जो है आपको धीरे धीरे करके आपको डालते रहना है। और ठंडा करना बहुत जरूरी है जो, क्योंकि इसके अंदर जो मिथेन गैस होती है, मिथेन गैस की वजह से कैचुआ जनरली मर जाते हैं और लोगों के बिजनेस का जो फेलियर है, पपीता का जो बिजनेस, इसका सॉरी हमारा इसका कैचुआ खाद का जो बिजनेस है वो फेल हो जाता है, और फेल होने का ये सबसे बड़ा कारण है। तो मैं सभी भाइयों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को इस तरह से हमेशा करके चलें, ठंडा करने का यही एकमात्र तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। धीरे धीरे ठंडा करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पानी मारें
गोबर को काटें, पानी मारें, फिर गोबर को काटें इस तरह से, और सलरी बिल्कुल उसके अंदर ना डालें। लेकिन अगर सलरी डाल रहे हैं आप, जिस तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हमारा कुछ उसके अंदर बना हुआ है, पर हम इस बेड को भी अभी हफ्ते भर के लिए, चार दिन के लिए, छः दिन के लिए, धूप और मौसम के हिसाब से इसको हार्ड करेंगे। मतलब ऐसा जिस तरह से आपको ये बारीक बारीक दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा। इसमें आपको जो मिथेन गैस निकलती है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बेड के अंदर भी आपको, हम इसको काटते रहते हैं इस तरह, जो ये बबूला बन रहे हैं ये मिथेन गैस के ही होते हैं, जबकि हमने इसको 15 दिन कर लिया है, लेकिन फिर भी गैस इसके अंदर थोड़ी बहुत बनती ही रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होएगी। तो ख़त्म करने का इसका धीरे धीरे, ये स्लोली स्लोली होती है, आपको बेड देख रहे होंगे इसमें से पानी के साथ ये हिल रहा है, तो हमने इसमें भी पानी भर रखा बेड के अंदर भी। तो इस तरह से जो है, आप ऐसे भी चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन इसको, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इसमें केचुआ डालने के लिए बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट ना रहे, पानी इसके अंदर ना रहे, तब केचुआ डालें, ताकि इसमें से मिथेन गैस और ज़्यादा ना निकले, गर्मी इसके अंदर ना बने। बिल्कुल ठंडा गोबर होना चाहिए, तब इसके अंदर आप अपना केचुआ डालें। और केचुआ डालने के लिए आपको, ये बिल्कुल सब लोगों को पता है जनरली, और फिर भी किसी भाई को नहीं पता है, तो ये बात का बिल्कुल ध्यान दें कि जब भी आप केचुआ इसके अंदर डाल रहे हों, तो ऑलमोस्ट जो है आपका 1 फिट के अंदर 1 किलो केचुआ डाला जाता है, 4 फिट चौड़े बेड में। लेंथ इसकी आप कितनी भी रख सकते हो, ये 12x2 के बेड हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन पर लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको 1 फिट के हिसाब से 1 किलो केचुआ डालने हैं। तो 1 किलो केचुआ का मेजरमेंट क्या होता है, कहीं पे आपको 1 किलो में आपको 1000 केचुआ मिलता है, कहीं पे आपको 2000 मिलता है, कहीं आपको 3000 मिलता है, रेट सबके अलग अलग होते हैं। तो ये जो है बियर मिनिमम, आप 1000 के आसपास 1 किलो में केचुआ मान के चलें, और बाकी डिटेल में मैं आपको और आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करते रहें वीडियो को। सभी को धन्यवाद।